दिवाली हो या कोई भी फेस्टिवल, स्वीट्स जिसे पसंद है उनके यहाँ ये गुजिया तो बनता ही है। और अगर आप मेरे इस मेजरमेंट से एक बार ये मावा गुजिया बना लोगे तो गारंटी है आप बार बार इसी प्रकार से मावा गुजिया बनाओगे। बहुत ही आसान वे में मैं आपको बताऊंगी और इसका मेजरमेंट मैं परफेक्ट आपको दूंगी, जिससे आपका मावा गुजिया पहली बार में ही परफेक्ट बनेगा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। हे ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माई कुकिंग ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो चलिए रेसिपी बनाते हैं, जिसके लिए हमने सारी चीज़ें मेज़र करके ली है। तो यहाँ पे लिया है मैंने रवा। रवा ना हो तो आप सूजी भी यूज़ कर सकते हो। तो सूजी को आप मिक्सर ग्राइंडर में घुमा ले, उसके बाद ले सूजी यानी कि रवा जो हमने लिया है, रवा, मावा और ड्राई फ्रूट सारी क्वांटिटी हमने सेम ली है, इक्वल एक एक कटोरी हमने माप कर ली है, नाप कर ली है। तो आप कोई भी कटोरी सेट कर सकते हो या कप, तो उसी मेज़रमेंट से आप ये सारी चीज़ें डालें। तो यहाँ पे मैंने घी डाल दिया है, आधी कटोरी के करीब घी डाला है और उसके अंदर हमने ड्राई फ्रूट डाल दिया। ड्राई फ्रूट में बादाम और काजू लिया है, आप पिस्ता भी चाहो तो डाल सकते हो। ड्राई फ्रूट आप अपने अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। और हाँ, यहाँ पे मेज़रमेंट भी आप थोड़ा अप डाउन कर सकते हो, लेकिन अगर मेरे मेज़रमेंट से बनाओगे तो गारंटी है बहुत ही परफेक्ट बनने वाली है। तो एक बार मेरे मेज़रमेंट से ट्राई ज़रूर से करें। और ये जो ड्राई फ्रूट है उसे अच्छे से रोस्ट कर ले, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही रोस्ट करें। और फिर इस ड्राई फ्रूट को हमने निकाल लेना है और उसे साइड पर रख देना है ताकि वो अच्छे से ठंडा हो जाए। तब तक हम आगे की रेसिपी कंटिन्यू करते हैं। ये जब तक ठंडा होता है हम इस घी के अंदर डाल देंगे रवा। तो रवे को हम यहाँ पे लो टू मीडियम फ्लेम पर ही कुक करेंगे, बिल्कुल भी हाई फ्लेम नहीं करना है, जल्दबाजी बिल्कुल भी नहीं करनी है यहाँ पे। तो इस बात का हमें ध्यान रखना है, रवा हमें बिल्कुल लो फ्लेम पर ही कुक करना है, अच्छे से अरोमेटिक हो जाए और ये फूल जाए रवा, तब तक हमें सेकना है। इसके अंदर हम ये किशमिश डाल रहे हैं तो उससे भी हमें समझ में आ जाएगा कि हमारा रवा अच्छे से रोस्ट हो चुका है। तो किशमिश अगर आपको पसंद है तो आप ज़्यादा डाल सकते हो, वरना थोड़ा सा ही डाल सकते हो। मैंने थोड़ी सी ही डाली है क्योंकि मुझे इसके अंदर किशमिश का टेस्ट पसंद नहीं है। तो अच्छे से हम लगातार इसे कुक करेंगे, बीच में हमें रुकना नहीं है, वरना नीचे चिपक सकता है, जल सकता है रवा हमारा। तो लो टू मीडियम फ्लेम पर ही हमें इसे कुक लगातार करते रहना है। तो अच्छे से हो जाए कुक, उसके बाद यहाँ पर हमने एक कप डेसिकेटेड कोकोनट डाल दिया है, जिससे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आने वाला है। आप चाहो तो यहाँ पे कोकोनट कम ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन मेरे मेज़रमेंट से बनाना मैं गारंटी देती हूँ, बार बार बोल रही हूँ, एक बार बनाकर देखना, बहुत ही परफेक्ट गुजिया आपका बनकर तैयार होगा। मैंने पहले भी गुजिये की रेसिपी दी हुई है, लेकिन वो मावा गुजिया नहीं थी, वो रवा गुजिया था। तो वो रेसिपी भी आप ट्राई कर सकते हो, बहुत ही लोगों ने उसे लाइक की थी और बहुत लोगों ने पसंद भी किया था उस रेसिपी को। तो आप इस रेसिपी को भी एक बार ट्राई ज़रूर से करें। तो डेसिकेटेड कोकोनट यहाँ पे हमने अच्छे से रोस्ट करना है, जब तक वो अच्छे से कुक हो जाए उसके बाद हमें आगे की प्रोसेस करनी है, क्योंकि कोकोनट को कुक होते हुए ज़्यादा समय नहीं लगता है, इसलिए हमें उसे लास्ट में ही डालना है, पहले रवा जब सीख जाए तभी डालना है। और फिर हमने यहाँ पे मावा जो हमने पहले बताया था, तो एक कप यहाँ पे हमने मावा ले लिया है। मावा मैंने घर पे ही बनाया है, अगर आपको मावे की इंस्टेंट मावे की रेसिपी चाहिए तो वो भी आप मुझे कमेंट में बताएं, तो वो रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। मैंने मावा भी घर पे ही बनाकर यूज़ किया है, तो बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार हुई थी। मेरे वेद को तो ये सच में बहुत पसंद आई, तो बोलता था मम्मा बार बार आप यही बनाया करना गुजिया। तो मुझे तो पसंद आई, मेरे घर में भी सभी को ये बहुत पसंद आई, तो आपके घर में भी ये सभी को पसंद आने वाली है। तो देखिए मावा हमने अच्छे से कुक कर लिया ताकि उसका दाना दाना अलग हो जाए और रवे के अंदर मिक्स हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने कार्डमम पाउडर ले लिया है आधी चम्मच, और 1/4 टीस्पून यहाँ पे मैंने डाल दिया है जायफल का पाउडर। तो जायफल मैंने घिस कर लिया है, आप चाहो तो उसका पाउडर यूज़ कर सकते हो, लेकिन घिस कर लोगे तो उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, इसके अंदर फ्रेशनेस आएगी, इसकी वजह से हम तुरंत ही घिस कर डालते हैं।
तो ये सारी चीज़ें डाल दी। अब हमें गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इसे साइड पर रख देना है जब तक ये ठंडा हो। हम यहाँ पे आगे की प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे मैं आटा लगाऊंगी, जब ये अच्छे से कुक हो जाए हमें इसे ठंडा करना है। तो इसे साइड पर रख देंगे और हम इस ड्राई फ्रूट को क्रश कर लेंगे। मिक्सचर जार में डाल दिया और उसे हम पल्स मोड पर बार बार घुमाकर हम इसे पीस लेंगे ताकि ये दरदरा फॉर्म उसका अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। बिल्कुल फाइन पाउडर नहीं बनाना है, तो इस बात का भी ध्यान रखें। फ्रेंड्स, छोटी छोटी बातें होती है, छोटी छोटी टिप्स होती है जो मैं देती रहती हूँ, तो वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक ज़रूर से देखें ताकि आपको पूरी रेसिपी प्रॉपर समझ में आए। और हमने यहाँ पे जो शुगर आती है घर की, वही मैंने शुगर क्रश करके रखी हुई थी, लेकिन उसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर लग गया था जिसकी वजह से गांठें पड़ गई थी, तो मैंने फिर से उसे मिक्सचर जार में घुमा लिया और फिर इसके अंदर डाल दिया। तो 1.5 कप यहाँ पे मैंने शुगर पाउडर डाला है। तो ये शुगर पाउडर आप अपने अनुसार थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन ये मेज़रमेंट लोगे तो परफेक्ट ही बनेंगे। तो मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी है। और हाँ, इस बात का ध्यान रखें, जब आपका रवा वाला मिक्सचर जो था वो बिल्कुल ठंडा हो जाए तभी आपको ये ऐड करना है शुगर। उससे पहले बिल्कुल भी आपको ऐड नहीं करना है, वरना यहाँ पे शुगर पानी छोड़ देगा। इस बात का हमेशा ध्यान रखें। तो रवा ठंडा हो तभी यहाँ पे शुगर ऐड करें और अच्छे से लगातार उसे हिलाएं ताकि एक एक चीज़ एक दूसरे में अच्छे से मिक्स हो जाए। कोई भी इसके अंदर लम्स ना रहे, गुठलियाँ ना रहे बिल्कुल भी। बस इस बात का हमें ध्यान रखना है। देखिए, हमारा ये गुजिए का मावा रेडी है। तो ये मावा इस प्रकार का होना चाहिए। अब हमने यहाँ पे 500 ग्राम के करीब यहाँ पे ले लिया है मैदा। तो मैदे के अंदर हमने 8 चम्मच बड़ी चम्मच के करीब यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है। आप चाहो तो घी डाल सकते हो अगर पसंद हो तो, क्योंकि यहाँ पे हम अगर मोयन अच्छा डालेंगे तो हमारी जो गुजिया के ऊपर का पर जो आता है वो अच्छा क्रिस्प बनेगा। तो इसी वजह से हमें यहाँ पर ये मोयन अच्छे से डालना है और फिर इसके अंदर पानी डालते हुए हमें लगातार मिक्स करते जाना है और हमें आटा लगाते जाना है। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें और मोयन जो है अच्छे से डालें। 500 ग्राम आटे के अंदर कम से कम 8 से 9 चम्मच आपको मोयन डालना है ताकि अच्छे से उसके अंदर मोयन लग जाए बस। और फिर पानी डालते हुए अच्छे से हमें इसे मिक्स करते जाना है और डो लगा लेना है। डो हमें ज़्यादा गीला नहीं रखना है और ना ही हार्ड भी रखना है। हमें एकदम सेमी, क्या बोलते हैं उसे, सॉरी, गीला हमें रखना है, लेकिन ज़्यादा गीला नहीं और ज़्यादा सख्त भी नहीं। तो रोटी जैसा बिल्कुल भी नहीं करना है, लेकिन पराठे जैसा भी नहीं करना है। तो रोटी और पराठे के बीच का जो कंसिस्टेंस आता है उस प्रकार का हमें यहाँ पे डो लगाना है और अच्छे से मसलना है ताकि इसके अंदर कोई गुठलिया, लम्स या क्रैक न रहे। देखिए, इस प्रकार का डो होना चाहिए। हम इसके अंदर उंगली डालते हैं तो तुरंत प्रेस हो जाती है। तो इस प्रकार से डो लगाना है और फिर उसे हमें रेस्ट पर रखना है। 25 से 30 मिनट के लिए हमें इसे रेस्ट पर रखना है ताकि आटा जो है हमारा अच्छे से सेट हो जाए। जब ये डो लग जाए तो उसके ऊपर थोड़ा सा घी लगा दे और उसे ढककर रख दे। 15 से 20 मिनट या 25 मिनट हम इसे रखेंगे, उसके बाद इसे फिर से मसलेंगे। और फिर देखिए, इस प्रकार से हमने छोटी छोटी लुई बना ली है। एक इक्वल पार्ट में हमें कट कर लेना है और इस प्रकार से लुई बना लेनी है। देखिए, हमारा मावा भी रेडी है और इसे हम इस प्रकार से पूरी के शेप में छोटे छोटे बेल लेंगे और फिर हम इसके अंदर ये जो हमने फिलिंग बना कर रखी है वो इसके अंदर हम भर लेंगे। वैसे ये रेसिपी हम सब मिक्स इकट्ठा होकर बनाते हैं तो बहुत ही मज़ा आती है। हम फ्रेंड्स इकट्ठा हुए थे और हम ये रेसिपी बना रहे हैं, लेकिन फ्रेंड्स नहीं चाहती थी कि उनका फेस दिखाई दे, इसलिए मैंने किसी को भी शूट नहीं किया है, बस सिर्फ रेसिपी दिखाई है। देखिए, तो अब ये पूरी बन चुकी है। तो इसके अंदर हम ये फिलिंग डाल रहे हैं और फिर उसे हमने इस प्रकार से कवर कर दिया है। पहले फिलिंग को अच्छे से दबा लें, उसके बाद उसे कवर करें। देखिए, इस प्रकार से कवर करें और दबाए साइड में,
और फिर इसके ऊपर डिज़ाइन बनानी है, तो हाथों से ही हमने डिज़ाइन बनाई है, उंगलियों की सहायता से ही हमने डिज़ाइन बनाई है। कोई यहाँ पे हमने साँचा मशीन किसी भी चीज़ का यूज़ नहीं किया है और बहुत ही अच्छे गुजिये हमारे बनकर तैयार हुए हैं। वैसे फ्रेंड्स, अगर रेसिपी थोड़ी भी पसंद आती है रेसिपी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कीजिए ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अगर एफबी पेज पर देख रहे हो, इंस्टा पे देख रहे हो, तो वहाँ पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। देखिए, मैंने बताया आपको गुजिया किस प्रकार से हमने बनाया है, तो ये अभी दूसरा भी हम मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस प्रकार से हम इसे फिल कर रहे हैं और इसके अंदर डिज़ाइन बना रहे हैं। तो हम सब इकट्ठा होकर इसके अंदर अलग अलग प्रकार के डिज़ाइंस भी बनाते हैं, एंजॉय करते हैं, लेकिन अभी तो आपको मैं यही दिखा रही हूँ। अभी आगे मैं आपको दूसरी भी जो इंटरनेट पर वायरल हो रखी है रेसिपी की, मतलब कि ये जो शेप बनाने की, वो शेप भी मैं आपको बताती हूँ आगे। देखिए, ये दूसरा शेप बनाया हमने, तो ये दो शेप हमने बताया, अभी मैं तीसरा भी बता रही हूँ। उससे पहले मैं बता दूँ कि ये जो पूरिया है उसे बेलना कितना आसान है। इस प्रकार से पापड़ी बनाने वाला जो मशीन है उसके अंदर हम एक साथ में चार चार पूरिया बना लेते हैं। देखिए, फटाफट से हो जाता है, कुछ टाइम नहीं लगता है, तो ये गुजिया बनाना कितना आसान है आप देख सकते हो। तो इस प्रकार से भी आप यूज़ कर सकते हो। देखिए, मैंने बड़ा वाला ले लिया है पोर्शन और फिर उसके ऊपर थोड़ा बड़ा बनाया है, बड़ी पूरी बना ली है ताकि मैं आपको ये शेप दिखा सकूं जो इंटरनेट पर वायरल हो रखी है। देखिए, उसके अंदर थोड़ी सी फिलिंग ज़्यादा जाएगी और फिर उसे हम नॉर्मल जैसे बंद करते हैं वैसे ही गुजिया को बंद कर देंगे। उसके बाद हम यहाँ पे कांटा जो आता है फोक, उसकी सहायता से हम इस पर डिज़ाइन बनाएंगे। तो देखिए, इस प्रकार से हम फोक ले लेंगे और उसे साइड पर इस प्रकार से दबाते हुए चारों ओर दबा लेंगे। तो इसको जब हम शेप बनाते हैं तो ध्यान रखना है कि इसके अंदर छेद ना बन जाए, वरना फिलिंग बाहर आ सकती है। और फिर पीछे के पार्ट से तीन तीन के बीच में गैप में हमें इस प्रकार से दबा देना है। तो देखिए, हमारा फ्लावर वाला शेप बनकर तैयार है जो इंटरनेट पर वायरल हो रखा है। बहुत ही आसान है इसे बनाना। तो हमने इस प्रकार से सारे गुजिये बना लिए थे और फिर देखिए, तेल हमने गरम होने के लिए रख दिया है। तेल को बिल्कुल मीडियम टू लो ही रखना है, हाई बिल्कुल भी नहीं करना है। एक बार गरम हो जाए उसके बाद फ्लेम को हमें मीडियम टू लो कर देना है और सारे गुजिये हमने इसके अंदर डाल दिए। जितने तेल के अंदर आ सकते थे उतने हमने डाल दिए। और जब भी ये हम कुक कर रहे हों, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है, मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हमें इसे कुक करना है, वरना गुजिये जल सकते हैं, लाल हो जाएंगे लेकिन अंदर से नहीं सिकेंगे, तो वो मज़ा नहीं आएगी गुजिया खाने में। तो इसी प्रकार से मीडियम टू लो फ्लेम पर कुक करें, जब तक एक तरफ अच्छे से सीके ना, इसको हमें बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, टच नहीं करना है, वरना ये फट भी सकते हैं। तो इसी प्रकार से हमने ये गुजिया बनाया। वैसे आप लोग कहाँ कहाँ से मेरी रेसिपीज़ को देख रहे हो फ्रेंड्स, मुझे ज़रूर से कमेंट बॉक्स में बताना ताकि मुझे भी समझ में आए कि मेरे व्यूअर्स कहाँ कहाँ से है और मेरे व्यूअर्स को कौन कौन सी रेसिपीज़ पसंद है, ये भी मुझे ज़रूर से बताएं फ्रेंड्स। देखिए, इसे हमने थोड़े देर के बाद हिलाया और उलट पुलट करके हम इसे कुक कर रहे हैं। ज़्यादा लाल नहीं करना है लेकिन ज़्यादा वाइट भी नहीं निकालना है। अगर आपको पसंद है वाइट निकालना तो आप निकाल सकते हो, लेकिन मुझे थोड़ा सा गुलाबी कलर चाहिए, तो मैं इसे थोड़ा अच्छे से कुक करूँगी, उसके बाद ही मैं इसे निकालूँगी। तो बहुत ही अच्छा क्रिस्प घुघरा हमारा बनकर तैयार होगा। देखकर ही मुंह में पानी आ रहा होगा। जो जो घुघरा के लवर्स हैं उन्हें तो ये देखकर, सच में बता रही हूँ, मुंह में पानी आ ही रहा होगा। इतना टेस्टी हमारा मावा घुघरा बनकर तैयार हुआ था कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। वैसे तो मेरे घर में मावा वाली चीज़ पसंद नहीं है किसी को, लेकिन मैंने यहाँ पे कम मावा का यूज़ किया है। अगर आपको ज़्यादा मावा पसंद है तो आप रवे की क्वांटिटी कम कर दे और मावे की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दे और उस प्रकार से आप ये फिलिंग बनाकर बना सकते हो।
लेकिन मेरे घर में कम पसंद है, इसलिए मैंने ये मेज़रमेंट ट्राई किया। लेकिन इस तरह से बनाया तो हमारा गुजिया सच में बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ। देखिए, आप देख सकते हो कितने सारे गुजिया बनकर तैयार है। बाहर मार्केट में तो ये बहुत ही महंगी मिलती है ये रेसिपी, तो आप घर पे ही इतनी आसान वे में इसे फटाफट से बना सकते हो। देखिए कितनी अच्छी हमारी ये घुघरे की रेसिपी है। तो ये रेसिपी आप एक बार ज़रूर से ट्राई करें और मुझे भी कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप